हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम लोग चैप्टर 3 मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि कोई भी अगर दो मैट्रिक्स आपको दे दिए जाए तो वो आपस में इक्वल कब होंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपको पहला जो एक मैट्रिक्स है उसमें दिया है ए बी सी और डी, और एक और जो मैट्रिक्स है उसमें दिया है आपको ई एफ जी और एच, और आपसे पूछा है कि क्या ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। देखो, कभी भी आप लोगों को दो मैट्रिक्स को इक्वल बताना है तो आपको दो पॉइंट पता होना चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो ये कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात कि इसमें कितने रो हैं, इसमें टू रोज हैं। इसमें कितने कॉलम से, इसमें टू कॉलम से। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, टू क्रॉस टू। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंसेप्ट देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। तो आपको ऑर्डर अगर बताना है तो पहले रो को काउंट कर लीजिए, फिर कॉलम को काउंट कर लीजिए, और आपको करना है आर क्रॉस सी, मतलब रो क्रॉस कॉलम करना है। तो रो कितनी इसमें, टू, और कॉलम कितने हैं, टू। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, टू क्रॉस टू। अब इसके बाद इसका ऑर्डर देखते हैं, इसमें भी रो कितने बेटा, टू, कॉलम कितने हैं, टू। तो ऑर्डर कितना होगा, टू क्रॉस टू। तो कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आपके इक्वल होते हैं तो पहला क्या है, ऑर्डर इज सेम, कि ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। तो पहला क्या बेटा आपका, ऑर्डर जो होना चाहिए, ऑर्डर इज सेम, कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोई भी आपके जो भी करस्पोंडिंग जो भी एलिमेंट रहेंगे, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कि जो भी कोई करस्पोंडिंग एलिमेंट्स हो वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। अब बच्चे के समझ में आया सर करस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या, जैसे इसका ये जो पहला वाला एलिमेंट इसके पहले वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब ए इक्वल टू ई होना चाहिए। फिर देखो इसको रीड करने का तरीका क्या है, ये है वन वन, वन वन क्यों है, क्योंकि पहली रो है और पहला कॉलम वाला, तो ये आपका एलिमेंट क्या होना चाहिए, इस वन वन वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। दूसरा ये एलिमेंट इस एलिमेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल। इसका जो पोजीशन है वन टू है, क्योंकि ये तो पहली तो रो में है लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा में। तो सी किसके इक्वल होना चाहिए, जी के, करस्पोंडिंग मतलब पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल। ये वाला बी किसके इक्वल होना चाहिए, एफ के इक्वल होना चाहिए, और डी किसके इक्वल होना चाहिए, एच के इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी दो मैट्रिक्स आपके इक्वल होंगे कब होंगे, पहला ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी बुक्स में, उनको हम लोग कुछ एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग देखें, सबसे जो पहला हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द मैट्रिक्स, इफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल। आपको क्या करना है, एक्स वाई की क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि ये जो दो मैट्रिक्स है ये आपस में क्या है, इक्वल है। देखो ये दिया है 3y-x 3, और दिया है -2x और 7, और ये इक्वल है 5 3 -2 एंड 7। उसने क्या कहा है बेटा, उसने ये कहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एक्स और वाई की, जबकि ये जो दो मैट्रिक्स है ये आपस में क्या है, आपके पास इक्वल है। देखो अभी हम लोगों को इक्वल प्रूव नहीं करना है, उसने इक्वल हम लोगों को दे रखा है, यहां पर किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एक्स और वाई की। अब देखो इसमें देखें तो रो कितनी है, दो, कॉलम कितने हैं, दो, रो कितनी है, दो, कॉलम कितने हैं, दो। तो ऑर्डर तो टू क्रॉस टू है, और ऐसे भी हमको यहाँ पर इक्वलिटी प्रूव नहीं करना है, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, जबकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या, इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है बेटा, क्योंकि करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल, सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल, मैट्रिक्स क्या है, इक्वल, देन तब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये जो पहला वाला है कौन, 3y-6, इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, 5 के। और देखो ये कौन है आपके पास, -2x, ये किसके इक्वल आएगा, -2 के, ठीक है।
तो माइनस टू से माइनस टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1। ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। समझ ना बेटा, ये कितना हो जाएगा 3y माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, इज इक्वल टू में कौन आ गया बेटा 5। अब ये 1 इधर का है माइनस का, सामने जाएगा तो का हो जाएगा प्लस का, 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 1, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब 3 कहां पर है बेटा, इन टू में, कहां जाएगा ये डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो सिमिलरली हम लोग ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो इक्वल, तो हम लोग वैल्यूज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करके बताता हूं तो आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसमें दे रखा है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। आपको क्या करना है, ए बी सी डी के वैल्यूज को फाइंड करना है। और जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, क्वेश्चन इज ए माइनस बी टू ए माइनस बी टू ए प्लस सी थ्री सी प्लस डी, ये जो है इक्वल है किसके, माइनस वन जीरो फाइव और 13 के। ठीक है, ये दे रखा है आपको, टू मैट्रिक्स दे रखे हैं और दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है, और आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, ए बी सी डी की। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, वही कंसेप्ट हमारा, सिंस टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन, अगर दो मैट्रिक्स क्या हो जाते हैं हमारे इक्वल होते हैं तो फिर क्या होंगे उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे इक्वल। इसका मतलब ये क्या बनेगा बेटा, बोलो जल्दी से, ए माइनस बी इज इक्वल टू कौन हो जाएगा -1, क्योंकि पहला एलिमेंट के इक्वल होगा, और दूसरा क्या बेटा 2a माइनस बी इक्वल टू कौन हो जाएगा 0। ठीक है ना, अब देखो ये ए बी वालों का इक्वेशन मैंने पास में लिख लिया, और इधर देखो सी डी वालों को हम लोग पास में लिख लेंगे, क्या बन जाएगा 2a प्लस सी, ये ना देखो 2a प्लस सी, ये सेकंड वाला है तो सेकंड वाला इधर कौन है 5, और ये देखो कितना है बेटा 3c प्लस डी, और ये किसके इक्वल है 13 के। ठीक है, अब देखो इन दोनों को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लगा लेते हैं एलिमिनेशन। देखो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दोनों के कोएफिशिएंट क्या है सेम, साइन को कर लेते हैं चेंज, क्या बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, अच्छा इधर क्या होगा माइनस, अच्छा ये बी से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ए में से कौन जाएगा बेटा 2a, बचेगा कितना माइनस ए इक्वल टू कौन आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 1। इसको क्या कर लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, चाहे तो इसको क्वेश्चन नंबर क्या दे सकते हैं फर्स्ट, तो क्या कर देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इसमें रख देते हैं ना बेटा ए माइनस बी इक्वल टू कितना है -1, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है -1। अब हमारे पास क्या है, ए की तो वैल्यू है बेटा कितनी 1, कितना हो जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। एक काम करते हैं, इस -1 को इधर ले आते हैं और बी को उधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू बी। तो आपके पास वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास ए की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है बी की, अब किसकी वैल्यू चाहिए सी और डी की, उसको फाइंड करते हैं। अब देखो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी हमारे पास सेकंड, इसको क्या दे देते हैं थर्ड, और इसको क्या देते हैं फोर्थ। अब हमारे पास वैल्यू किसकी है, ए की है, इस ए की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं थर्ड में पुट कर देते हैं, ये वाला पोर्शन में हटा रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन थर्ड, वैल्यू ऑफ ए पुट क्या कर रहे हैं बेटा, पुट इन इक्वेशन थर्ड, किसमें पुट कर रहे हैं हम लोग थर्ड में पुट कर रहे हैं। थर्ड देखिए बेटा, थर्ड कितना है हमारे पास, देखो 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 5। अब देखो 2 तो 2 है और a की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी निकाली है 1 प्लस कौन हो जाएगा c इज इक्वल टू कितना हो गया 5, अच्छा 2 1 2 और इधर का ही है प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का, कितना हो जाएगा c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 में से कितना जाएगा 2, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास 3। तो आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, और c की, अब बचा कौन है d, तो ये c की वैल्यू आ चुकी है, इसको क्या करते हैं पुट इन इक्वेशन फोर्थ। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसकी वैल्यू को बेटा, c की वैल्यू को, किसमें पुट कर रहे हैं फोर्थ में, क्या करेंगे वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन फोर्थ, किसमें पुट कर रहे हैं बेटा फोर्थ में, फोर्थ क्या हमारे पास 3c प्लस d इज इक्वल टू कितना है 13। ठीक है, अब देखो c की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस कौन हो जाएगा d इज इक्वल टू कितना हो गया 13, 3 से कितना हो गया 9, और ये इधर का एक है प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का, कितना हो जाएगा बेटा d इज इक्वल टू 13 माइनस 9,
तो d इज इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। बहुत ही आसान है, जब भी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड या वैल्यू ऑफ एबीसीडी जब भी निकालने के लिए आए तो आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल, आपको क्या करना है करस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ करस्पोंडिंग एलिमेंट को क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं तो आपका ये जो कंसेप्ट होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्या करना है आप लोगों को, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और ये दिया है आप लोगों को एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और इक्वल टू में है आपके पास 7, 5 और 3। ये वैल्यूज दे रखी है और आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है किसकी, एक्स वाई और जेड की। बहुत ही आसान है, ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है और आपको वैल्यू फाइंड करना है किसकी, एक्स वाई जेड की। अब हम क्या बताएंगे, सिंस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या बेटा, मैट्रिक्स आर इक्वल, और जब भी मैट्रिक्स क्या होते हैं इक्वल देन, तब हम लोग क्या करते हैं बेटा, आपको पता ही होगा करस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। देखो ये जो है आपके पास कौन, समझना बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके इक्वल आएगा 7 के। अगला देखो बेटा एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा 5 के, और अगला देखो बेटा वाई प्लस जेड किसके इक्वल आएगा 3 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, बहुत ही आसान है। अब क्या करना है आपको, वैल्यूज फाइंड करना है। आपके पास देखो x प्लस वाई की वैल्यू है कितनी है 5, हम क्या करेंगे वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, वैल्यू ऑफ किसका बेटा x प्लस वाई, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे ये जो x प्लस वाई की जो वैल्यू है इसको कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में। देखो फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट क्या बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 7, लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू है आपके पास, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5, यहां पर कितना हो जाएगा 5 प्लस, क्योंकि x प्लस वाई के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया 5 प्लस, कौन हो गया z इज इक्वल टू कौन हो गया 7। बताओ ये 5 इधर का है, प्लस का सामने जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू 7 माइनस 5, 7 में से कितना माइनस हुआ 5, बचा कितना 2, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 2। वैल्यू किसकी आ गई, z की। अब देखो z की वैल्यू आ गई, इसको कहां पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर थर्ड में। क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, किसमें पुट कर देते हैं बेटा थर्ड में। थर्ड क्या है हमारे पास, देखो y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 3, लेकिन z की तो वैल्यू हमारे पास कितनी 2, y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अभी 2 इधर का है, प्लस का सामने जाएगा तो माइनस का, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 में से कितना माइनस हुआ 2, बचा कितना 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 1। देखो आपके पास क्या क्या आ चुका है, आपके पास z आ चुका है, y आ चुका है, बचा कौन है x। अब y की वैल्यू को कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, बहुत ही आसान, आपके पास क्या है वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड देखो सेकंड क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकंड क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x की तो वैल्यू को फाइंड करना है, प्लस है तो प्लस, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इज इक्वल टू में कौन हो गया 5, ये वन इधर का क्या है प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, x इज इक्वल टू 4, आपको वैल्यू मिल गई किसकी x की। तो आपकी वैल्यू आ चुकी है किसकी, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 1 और z की वैल्यू कितनी है 2। तो जब भी आपके पास ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आए, जैसे कैसे टू मैट्रिक्स दे दिए हैं और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड या फिर एबीसीडी, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको दो मैट्रिक्स दिए हों उसमें करस्पोंडिंग एलिमेंट को करस्पोंडिंग एलिमेंट के कंपेयर, मतलब साथ में लिख लीजिए, मतलब इक्वल में लिख लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है क्या कि दो मैट्रिक्स आपके इक्वल होंगे, कब होंगे, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उनको हम लोग इक्वल रखेंगे और वहां से फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से एबीसीडी या एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हमने क्या देखा, कंसेप्ट ऑफ टू इक्वल मैट्रिक्स एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू व्हेन द टू मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।